Hello friends, I Dr. Vikman Srivastava welcome all of you in this video lecture course. So today I will solve few problems of December 2016 from section B. देखिए वो questions क्या हैं. Question number 22 से लेके 29th जितने भी questions आए हैं इस video lecture में हम उसे cover करेंगे. एक चीज मैं बोलूँगा कि देखिए अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स थे उसको कवर कर रहे थे और कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट. इससे पहले मैं टॉपिक कवर कर रहा था लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो ही रहे हैं और तो उसके पैरेलल में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं. देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 CSIR दिसंबर 2016 का है. क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स 3-1 0-1 2-1 0-1 3 इज, पूछ रहा है ये क्या है, क्या ये पॉजिटिव डेफिनिट होगा, क्या नॉन निगेटिव डेफिनिट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनिट, सी है निगेटिव डेफिनिट और डी है नाइदर निगेटिव डेफिनिट ना पॉजिटिव डेफिनिट. देखिए एलजेब्रा के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको डिफिनीशन पता है आप कुछ एग्जाम्पल अपने आप से बना सकते हैं तो आप प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपको बस डिफिनीशन पता होनी चाहिए, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है. तो देखिए पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं तो उसको पॉजिटिव डेफिनेट कहते हैं, अगर सारे आइगन वैल्यूज निगेटिव हैं तो उसको निगेटिव डेफिनेट कहते हैं. अगर इक्वल टू भी है, पॉजिटिव भी है और इक्वल टू जीरो है तो उसमें उसको बोलेंगे नॉन निगेटिव डेफिनेट, राइट. और अगर निगेटिव है और लेस देन जीरो है तो उसको बोलेंगे, मतलब इक्वल टू जब कंडीशन आ जाएगा तो उसमें साथ नॉन भी आ जाएगा, राइट. और क्योंकि ये पॉजिटिव था नॉन निगेटिव डेफिनेट, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव डेफिनेट, अगर ग्रेटर देन जीरो के अलावा इक्वल टू भी आ गया तो उसको नॉन निगेटिव डेफिनेट बोलेंगे. इसी तरीके निगेटिव डेफिनेट क्या था, लेस देन जीरो था लेकिन अगर वो इक्वल टू भी जीरो आ गया तो उसको नॉन पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे. ये सिंपल डेफिनेशन है बस इसकी. तो हमें करना क्या है, इसमें आइगन वैल्यूज निकालना है. आइगन वैल्यूज देखते हैं कि सारे पॉजिटिव आते हैं या सेमी पॉजिटिव आता है, सेमी वाले ये सब केस हैं, और अगर पूरा आता है तो पॉजिटिव डेफिनेट, पूरा निगेटिव आता है तो निगेटिव डेफिनेट हो जाएगा. तो देखिए आइगन वैल्यूज, अच्छा किस मेथड से आइगन वैल्यूज निकालेंगे, हाँ मैं नॉर्मल मेथड यूज करूंगा उसका रीजन आपको बता दूं, क्वेश्चन देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये थर्ड जो रो का पहला रो का थर्ड एलिमेंट है ये जीरो है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से है इससे बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला टर्म जीरो, सिर्फ इसी दोनों का कैलकुलेशन करना. उसमें भी देखिए इस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का ये थर्ड एलिमेंट जीरो है तो कुछ टर्म्स तो अपने आप ही इसमें जीरो हो जाएंगे. वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा ई का कैलकुलेशन करेंगे एंड ये मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा 3-λ-1 0, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड रो में -1 2-1, थर्ड रो इज 0-1 3-λ, राइट. तो यहाँ से आप ये डायगोनल वाला ही होगा आपका 3-λ 2-λ एंड 3-λ. नाउ सॉल्व इट, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3-λ, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे 2-λ (3-λ) ये माइनस माइनस का देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा सिंपली -1, राइट. प्लस वन हो जाएगा ये माइनस का सेकंड टर्म होता प्लस वन, और देखिए इसको बंद करेंगे जब आप तो -1 3-λ, और देखिए ये जीरो है तो ये वाला टर्म अपने आप ही इसके बाद वाला जीरो हो जाएगा, दिस माइनस जीरो, और ये वाला टर्म तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही जीरो है. तो देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, और इसमें भी देखिए 3-λ 3-λ, इस तरीके से दोनों एलिमेंट कॉमन ले लेंगे लेकिन यहाँ पे कॉमन लिया λ-3, राइट. λ-3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये वाला टर्म में तो माइनस आ जाएगा, इस वाले में से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. तो सिंप्लीफाई फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा -λ² -5λ-6+2=0, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज λ-4 λ-1, इसके पहले एक माइनस आया है ये इससे जीरो भी हो गया तो आपका हो जाएगा λ-3 λ-4 λ-1. नाउ द वैल्यूज ऑफ λ आर 1, 3 एंड 4, ऑल आर डिफरेंट
एंड पॉजिटिव, सारे आइगन वैल्यूज क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यानी सिंपल सा है, अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो गए, दिस मीन्स दैट इट इज पॉजिटिव डेफिनेट। ये पहला होगा। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेफिनेट है क्या। इफ यू नो दिस थिंग यू कैन कैलकुलेट इस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत आसान है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पूछा है। देखिए क्या है, लेट एफ फ्रॉम आर टू टू आर टू इज गिवन बाई, क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई इज दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल सी बात है, ये अभी सेकंड डिग्री का, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी वो लीनियर बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ, देखिए अगर ये कहीं भी, ये नहीं कि ये डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी आता है तो भी वो डेरिवेटिव वाले ही प्रोसेस से लगेगा। देखिए ये क्या होता है, अच्छा इसके चार ऑप्शन है, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ पूछ रहा है इसका। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, देखिए पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या है। एफ कितने पार्ट में है, दो फंक्शन का है कंपोजिशन है, एफ वन और एफ टू का। एफ वन क्या है, एफ वन है एक्स स्क्वायर और एफ टू आपका है वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब आपको देखना एफ वन और एफ टू किसके फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो सबसे सिंपल है, पहले इस एफ वन को पहले रो में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया उसके रिस्पेक्ट में। जैसे एफ वन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के, दो ही दो फंक्शन है, तो एफ वन को एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। फिर दूसरे वाले रो में एफ टू का कर देंगे। अगर तीसरा भी फंक्शन आता है इसको तीसरे रो में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इसमें दो फंक्शन है एफ वन और एफ टू, एफ वन है एक्स स्क्वायर और एफ टू है आपका वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो चलिए उस आपका ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ, क्या हो जाएगा, डेल एफ वन बाई डेल एक्स डेल एफ वन बाई डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव है। दूसरा है, दूसरे रो में क्या हो जाएगा, एफ टू का कर दीजिए डेल एफ टू बाई डेल एक्स और डेल एफ टू बाई डेल वाई। नाउ आइए अब देखिए, डेल एफ वन बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दिस इज टू एक्स, और एफ वन को y के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये फंक्शन x का है और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से f2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर f2 को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, f2 क्या है वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, राइट। और f2 को y के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, f2 को y के रिस्पेक्ट में, इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या है, सिर्फ यहाँ वाई स्क्वायर है इसका टू वाई हो जाएगा और साइन एक्स का आपका जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई, ये आपका जिस पॉइंट एक्स वाई पे पूछा था एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में कर दी। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। देखो ये लीनियर है अपना, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए कितना आसान प्रॉब्लम आया है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एफ किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, राइट। अगला भी फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ से ही रिलेटेड है, उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू टू आर इज इट डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, लेट वी वन टू एंड ए इज इक्वल टू ए वन ए टू, ए इज इक्वल टू ए वन ए टू बी टू एलिमेंट ऑफ एफ सॉरी आर टू। देखिए क्या कह रहा है, पहला ये फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और उसके बाद दो पॉइंट की बात कर रहा है, वी है वन टू एंड ए है ए वन ए टू बी टू एलिमेंट ऑफ आर टू, दो एलिमेंट आर टू के। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी, v के डायरेक्शन में पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ v एट a, a पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पे a पॉइंट पे इज, देखिए डेरिवेटिव ऑफ f अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने निकाला, लेकिन किसके डायरेक्शन में निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एट a इस पॉइंट पे डायरेक्शन में। तो देखिए डायरेक्शन किससे डिफाइंड होता है, वेक्टर क्वांटिटी से, तो हमें इसका कॉलम वेक्टर लिखना पड़ेगा, a का कॉलम वेक्टर। पहले हम डेरिवेटिव निकाल लें फिर इसके कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का कॉलम वेक्टर क्या हो जाएगा, ए है ए वन ए टू, इसका कॉलम वेक्टर निकालेंगे ए वन ए टू, कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे इसे पहले भी हम लोगों ने डिफाइन किया, देखिए
एफ किसका किसका फंक्शन है, एफ वन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है एक्स वाई। देखिए कंपोजिशन क्या, एक ही है एक्स वाई, वहां पे क्या था कामा के फॉर्म में था, दो फंक्शन थे। तो एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक ही फंक्शन है, तो एक ही में हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक ही रो में डेल एफ बाई डेल वाई, राइट। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो भी कह रहा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप एफ कैसे निकलेगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया डी डी एफ। पहले मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ एफ, फिर कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो चलिए देखिए डायरेक्ट, हाँ पहले डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये आपको बता ही दिया डेरिवेटिव ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी जस्ट पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम लोगों ने। तो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज एक्स वाई। अगर इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाहर आएगा कॉन्स्टेंट, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स एक्स का वन हो जाएगा। इसी तरीके डेल एफ बाई डेल वाई, अगर इसको वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे आपका वन हो जाएगा। सो सिर्फ x बचा। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हाँ ये हो गया आपका। अब हमने तो डेरिवेटिव निकाल लिया किस डायरेक्शन में, एट a, डायरेक्शन तो x v है, ये वन टू, अभी हम इसको बाद में एक्स वाई की जगह पुट करेंगे जो यहाँ एक्स वाई है, लेकिन किस एट a आपको कॉलम वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपने डेरिवेटिव आप एफ निकाल ही लिया है, इसके डायरेक्शन से कॉलम वेक्टर, इसी नंबर मैंने डायरेक्शन की बात की, कॉलम वेक्टर, वेक्टर है क्या जो डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, ए वन ए टू, तो ए वन ए टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई एक्स इंटू ए वन ए टू, क्या हो जाएगा वाई इंटू ए वन प्लस एक्स इंटू ए टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब किस पॉइंट पे आपको निकालना है, देखिए आप वी वी का निकालना था और v क्या दिया हुआ, वन टू, तो x और y की जगह वन टू पुट कर दीजिए, x की जगह वन और y की जगह टू, तो टू ए वन प्लस ए टू आ जाएगा, यही होगा टू ए वन प्लस ए टू, और किस पॉइंट पे हमने निकाला, वन टू पे। तो देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बस हमें ये पता होना चाहिए था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, किस के डायरेक्शन में और किस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए कितना आसान प्रॉब्लम था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो इसी दिसंबर में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कहता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n और 4 समेशन g फ्रॉम 0 टू 2n माइनस 1 g क्यूब इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये और इसके चार ऑप्शन है, पहला 4 है, दूसरा 16, थर्ड 1 एंड फोर्थ 8। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान है, ये समेशन वाला अगर आपको फॉर्म पता है, k फ्रॉम 1 टू n k क्यूब का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है एक्चुअली, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ से देखिए k फ्रॉम 1 टू n था, लेकिन यहाँ j फ्रॉम 0, अगर इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टर्म 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ से ये जो n था, यहाँ पे n की जगह क्या लिखा हुआ, 2n माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन, अभी इस वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने दीजिए, इस पे आते हैं, समेशन j फ्रॉम 0 टू 2n माइनस 1 j क्यूब, यानी n क्यूब वाला उसी तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1, n की जगह क्या लिखा हुआ 2n माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं n की जगह 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1, जब करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, सिर्फ 2n बचेगा, क्लियर है, n इंटू n प्लस 1, n की जगह यहाँ क्या है 2n माइनस 1, तो n यानी 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे जब, तो 2n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बचेगा 2n, राइट, बाय 2 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं किया, n की जगह किससे रिप्लेस किया 2n माइनस 1 से, और आपका ये समीकरण, अब इसका होल स्क्वायर होगा, सो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2n का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 2n का होल स्क्वायर, नाउ इन द डिवाइड फॉर्म 2 स्क्वायर होगा, दैट इज 2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें कैंसिल क्या करना है, कैंसिल हमें ये करना है कि 2n का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आपका आएगा 4n स्क्वायर,
फोर इज टू स्क्वायर से कैंसिल होगा और एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा एन स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या बचा, टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब हमें इस एन स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो टू एन को ऊपर से अगर आपने न्यूमरेटर से आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टू एन कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर, यानी दिस इज फोर एंड एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर में भी एन स्क्वायर है, अब देखिए क्लोज ब्रैकेट में क्या बचा, वन माइनस वन बाई टू एन बचा का होल स्क्वायर। नाउ एन स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, सो ओनली फोर इज रिमेनिंग। नाउ द लिमिट इज एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इसका क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ई पे पावर माइनस वन बाई टू एन इंटू टू होगा, और एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये ई पे पावर जीरो दैट इज वन, सो ये क्या सिंपली बचा फोर, राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम ये नंबर सिस्टम से आया हुआ है, और इन प्रॉब्लम्स को हमें ध्यान से देखना, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा अगर कुछ बेसिक फॉर्मूले आपके क्लियर हैं तो नंबर सिस्टम के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जो कि दिसंबर 2016 में है। क्वेश्चन इज एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड डेल एफ आर डी एफ बाई डी एक्स एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू फाइव फॉर ऑल एक्स वी कैन कंक्लूड दैट एफ वन इज। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम छोटा सा कोई सेट ऑफ एग्जाम्पल ले लें तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक ही ध्यान रखना है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब इसमें देखिए एफ वन की वैल्यू पूछा हुआ है, एफ जीरो की वैल्यू दिया है और कह रहा है डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू फाइव हो फॉर ऑल एक्स। देखिए ये तीन कंडीशन दिया है, गिवन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू दिया है लेस देन आर इक्वल टू फाइव। अब ध्यान दीजिए आप, कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके का है और उसका डेरिवेटिव फाइव आना चाहिए और एफ जीरो की जीरो आना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो फंक्शन होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स जो कि तीनों इस सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स फॉर ईच एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर, ये पहले से ही है रियल नंबर, एक्स एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स। दूसरा एफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो अगर जीरो पुट करें तो ये भी जीरो होगा, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो और उसका मॉड लें, देखिए यहाँ पे मॉड लगाया है, यही इसका कुछ पॉइंट यहीं से सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ रेंज दिया हुआ है, तो अगर फाइव आ गया तो इसका मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स उसका मॉड लें लेस देन आर इक्वल टू फाइव, ये देखिए फाइव आ भी रहा है, इसको एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे लेस देन आर इक्वल टू फाइव आएगा, राइट। अब देखिए अपना यानी तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालें डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज फाइव, और कह रहा है ये क्या होना चाहिए मॉड में लेस देन आर इक्वल टू फाइव, तो ये फंक्शन एक्चुअली जो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एफ वन की वैल्यू निकालेंगे सिंपली क्या आएगा फाइव, लेकिन इसका रेंज है देखिए मॉड लिया हुआ है यानी माइनस फाइव टू फाइव, सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस केस, राइट। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में, सिर्फ हमें ये ध्यान देना था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था और आसानी से सॉल्व हो गया, 26 तक क्वेश्चन देख लिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर फोर इज ए बेसिस। देखिए कह रहा है कौन सा सेट इसमें से बेसिस फॉर्म करेगा, पहला है बी वन, इसके एलिमेंट है 1 0 0 0, दूसरा है 1 1 0 0, तीसरा है 1 1 1 0, फोर्थ इज 1 1 1 1। सेकेंड जो सेट है जो फॉर्म करेगा बेसिस उसके बारे में कह रहा है, ये है 1 0 0 0, 1 2 0 0 0, 1 2 3 0, 1 2 3 4, और थर्ड जो सेट है उस कह रहा है 1 2 0 0,
0011 21 00 4 -5 5 0 0। तो कह रहा है अब देखिए इसमें से ये लगाना है कि कौन सा इसमें से बेसिस फॉर्म करेगा। कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है b1 b2 फॉर्म करेगा, b3 नहीं फॉर्म करेगा। दूसरा कह रहा है b1 b2 करेगा और b3 भी करेगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है b1 b2 करेगा लेकिन b1 b2 करेगा लेकिन b3 नहीं करेगा, b2 नहीं करेगा, सॉरी b1 b2। इसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, b1 b2 बट ये b3 होना चाहिए, b4 होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन इज ओनली b1 करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा मैं बता दूं, किसी भी जो सबसेट है उसका बेसिस निकालेगा, अगर आपके पास इस तरीके का है तो आप बेसिस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स इसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, सॉरी तीसरे वाले में, सब में कितने वेक्टर्स हैं, 4, अगर रैंक के बराबर आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो बेसिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ मैंने लिखा भी है कि अगर रैंक, सॉरी नंबर ऑफ वेक्टर्स रैंक के बराबर हो जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं चारों, जो जितने भी दिए रहे हैं, और वही उसका बेसिस फॉर्म कर। तो अगर हम इसका रैंक निकाल लें, अगर वो 4 के बराबर आ जाता है, क्योंकि इसमें सारे वेक्टर्स में देखिए, चाहे सॉरी जितने भी सबसेट है, चाहे b1 चाहे b2 चाहे b3, सब में एक चीज़ है, 4 ही वेक्टर्स हैं। तो अगर रैंक निकाल लें और 4 के बराबर आ जाता है, देन वी कैन से दैट इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म द बेसिस, राइट। तो चलिए पहले वाले का रैंक निकालते हैं। अच्छा कुछ चीज़ें आप देख के ही पता लगा सकते हैं। देखिए अगर इसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 1000 को, तो ये आएगा 1000। सेकेंड वाले को 1100 1100। थर्ड वाले को 1110, देखिए 1110। और फोर्थ इज 1110। तो ये देखिए अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। उतनी ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हैं तो वो क्या होगा, फॉर्म करेगा बेसिस। तो ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0, इसके ऊपर एलिमेंट हैं। इसी तरीके से b2 है, b2 को भी अगर हम लिखें कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, तो 1000 1200 1230 एंड 4th इज 1234। इसमें भी देखिए डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है, राइट, सारे एलिमेंट 0 है, तो ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये कंडीशन होता है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का, अगर ये कन्वर्ट हो गया तो जितना अपर ट्रायंगुलर कितने ये इसका रैंक हो जाएगा कितना, 4। या ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 4, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में नॉन जीरो रोज 4 है, हेंस इट इज फॉर्म द बेसिस। चारों इंडिपेंडेंट होगा, रैंक कितना हो गया, 4, रैंक 4 है और वेक्टर्स पहले से ही दिया है दोनों में b1 b2 में 4, तो ये होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी b1 और b2 ये दोनों बेसिस फॉर्म करेंगे, राइट। अब आते हैं अगला। अब कह रहा है b3 के बारे में निकालते हैं, इसको भी कॉलम वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1200, राइट, और ये हो जाएगा आपका 0011 0011। थर्ड हो जाएगा 2100 2100। फोर्थ इज -5 5 0 0। इसको भी जरा रिड्यूस करते हैं उसी फॉर्म में, तो देखिए जैसे ही आपने लिखा, और मैंने रैंक वाले चैप्टर में बताया भी है जहाँ लीनियर अलजेब्रा का जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर दो रोज सेम हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप, इसको हम क्या करते हैं अपर ट्रायंगुलर में अगर ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे या नॉर्मल फॉर्म में, देखिए अगर पहले हम इसे दो रोज सेम होगा तो एक रो तो अपने आप जीरो हो जाएगा, क्या हो सकता है, R4 = R4 - R3। अब देखिए यहाँ से तुरंत आपको पता चल गया कि जैसे ही एक रो जीरो हो गया, इसका रैंक यानी अब 3 से कम, यानी इसका रैंक 3 है। देखिए यहाँ से अब अगर रैंक 3 है और नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है, उससे कम है, उस पर चिंता करने की बात नहीं, 4 तो नहीं है, यानी अब अगर इसका नंबर ऑफ सॉरी नॉन जीरो रोज कितने हो गए, 3 अभी दिख रहे हैं, यानी रैंक 3 होगा, यानी 4 तो होगा नहीं,
तो जब वेक्टर्स 4 हैं और रैंक 3 या 3 से कम है तो ये कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता। हमेशा वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स काउंट कर लीजिए, सब में 4 है, रैंक अगर बराबर है देन वी कैन से दैट इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अभी यहाँ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसे तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, यानी B1 B2 बेसिस फॉर्म करेंगे लेकिन B3 बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। फॉर बेसिस द वेक्टर मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो कौन सा ऑप्शन सही है? B1 B2 है लेकिन B3 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 28। आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर नंबर 11 में सॉल्व किया है लीनियर अलजेब्रा का, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 11 में, ये मैंने कई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वहाँ पे, जिसमें ये दिसंबर 2016 का भी ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। बहरहाल मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लेट D1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इसको D1 बोलेंगे और दूसरा जो आएगा उसका D2 बोलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस एक्स ए माइनस पी वाई माइनस बी क्यू जेड माइनस सी आर, देन आपसे पूछ रहा है क्या होगा इसमें, क्या डिटर्मिनेंट D1 D2 के बराबर होगा, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट क्या दोनों आपस में बराबर होंगे। सेकेंड कह रहा है D1 इज इक्वल टू 2D2, जो डिटर्मिनेंट दूसरे का है उसको 2 टाइम्स करेंगे तब ये D1 के बराबर होगा। थर्ड कह रहा है D1 माइनस D2 के बराबर होगा, इसके माइनस के बराबर होगा। फोर्थ कह रहा है 2D1 इज इक्वल टू D2, ये कह रहा है। देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही है और इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट पहले रो के रिस्पेक्ट निकालते हैं ए बी सी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये कॉलम सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, जिससे आसानी से देखिए यहाँ ए बी सी आसानी से आपको डिटर्मिनेंट पता चलेगा कितना टाइम्स है, माइनस टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। दूसरा तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जो कि मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी निकाला हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ जाके आप इस प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं और उसमें यही पता लगा D1 इज इक्वल टू माइनस D2 आया हुआ है, राइट। देखिए लीनियर अलजेब्रा के जितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपके डिफिनीशन पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, CSIR दिसंबर 2016 का बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखिए पूछा हुआ कंसीडर द मैट्रिक्स ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू दिया है 2π/31 और पूछा हुआ है ए 215 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आपको मैं बता दूं इसमें बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ये साइन कॉस में दिया ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से दिया हुआ है और ए पे पावर आपको निकालना है, ए पे पावर एन, तो ये डायरेक्ट इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए पे पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, एकदम सिंपल है, ये एन की वैल्यू इस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है, अच्छा थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2π/31 और ए 215 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी ए 215 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली थीटा से, 215 इंटू थीटा सब में साइन 215 इंटू थीटा, ये माइनस साइन 215 इंटू थीटा और कॉस 215 इंटू थीटा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ 215 इंटू थीटा की तो होगा क्या, 215 इंटू थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपको पहले से दिया 2π/31 और ये कैलकुलेशन आप करेंगे जब ये, तो ये आप सिंप्लीफाई होने के बाद 130π आया हुआ है, इसको कट करके देख लीजिए आप, 36 जाएगा 65 आएगा, यहाँ से कैंसिल होने के बाद 31 को ये 65 टाइम्स होगा, 65 इंटू 2 130π आएगा। अब 130π सब जगह यहाँ पुट कर देते हैं, ये जो है 215 की जगह, तो कॉस
130 पाई साइन 130 पाई माइनस साइन 130 पाई और कॉस 130 पाई राइट। अब देखिए एक चीज है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस की वैल्यू किस किस पे वन होती है और किस किस पे। देखिए कॉस ई पाई मैं लिख रहा हूं, अगर जितने भी इवन नंबर होते हैं इस पे कॉस की वैल्यूज हमेशा वन होती है। इवन नंबर पे अगर ई है पाई के साथ मल्टीप्ली, जितने भी टू है फोर है सिक्स जितने इवन, और अगर ऑड के साथ है कॉस ओ पाई ऑड पाई के साथ है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस वन राइट। और साइन किसी तरीके से मैं अगर वैल्यू लूँ साइन पाई के साथ, कोई भी नंबर हो वन हो टू हो थ्री हो फोर हो जितने भी होते हैं होल नंबर के लिए नेचुरल नंबर के लिए ये इसकी वैल्यू जीरो होती है ठीक है, होल नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर पाई से मल्टीप्लाई है तो ये सभी जानते हैं बहुत बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पे देखिए कॉस इवन नंबर है, 130 क्या है इवन नंबर, यानी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी इवन नंबर पे वन, ये वन हो जाएगा, ये भी 130 ये भी वन हो जाएगा। और आपको बताया साइन के केस में चाहे जो भी हो चाहे ऑड हो चाहे इवन नंबर, अगर नेचुरल नंबर है तो उस केस में साइन की वैल्यू जीरो होती है, यानी इस दोनों पे जीरो हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ ये किसके बराबर आई के बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने इसमें 22 से लेके 29 तक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए और एक चीज फील किया कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए तो मैं लेक्चर्स में बार बार बोलता था कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला उसके पीछे के लॉजिक पता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में देखिए बहुत टाइम नहीं लगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है सर प्रॉब्लम सॉल्व करिए प्रॉब्लम सॉल्व करिए, मैंने आज ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया और एक सेट में आपने देखा कि आधे घंटे एक घंटे के अंदर सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें देखा हमने 6 से 7 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, हाँ 7 प्रॉब्लम लगभग सॉल्व किया और 7 प्रॉब्लम यानी 21 मार्क्स का ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसके बाद फिर हम अगला भी सॉल्व करने वाले हैं जून 2016 के भी कुछ और प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे आगे राइट। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें जिससे मैं फर्दर वीडियोस को अपलोड और कर पाऊँ, क्योंकि जितने कमेंट आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस कमेंट के बेसिस पे जो लेटेस्ट वीडियो है उसे अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।